नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन में प्रियंका गांधी ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। 15 साल से सत्ता से बाहर रही भाजपा की वापसी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने रविवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया। दोनों पार्टियों के प्रदेश प्रमुखों ने संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि राज्य में 403 विधानसभा सीटों में से सपा 1998 तथा कांग्रेस शेष 105 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। एक समय ऐसा भी आया जब यह गठबंधन लटकता दिख रहा था, लेकिन ऐसी स्थिति में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने मामले में हस्तक्षेप किया और बातचीत को आगे बढ़ाया। माना जा रहा है कि गठबंधन नहीं होने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि बातचीत के लिए कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंच रहा था। न तो राहुल गांधी आ गया और न ही प्रियंका गांधी। उनकी तरफ से यूपी में पार्टी के इलेक्शन कैंपेनर प्रशांत किशोर और आईएएस ऑफिसर रहे धीरज श्रीवास्तव को अखिलेश के पास भेजा गया था। हालांकि अहमद पटेल ने इस बात से इनकार किया है। उनका कहना है कि इसके लिए गुलाम नबी आजाद और प्रियंका गांधी के अखिलेश यादव से बातचीत हो रही थी। इंडियन एक्सप्रेस की खबर की माने तो अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव के पास शुक्रवार या शनिवार की रात को 1 बजे के करीब प्रियंका गांधी का फोन आया। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने फोन बंद किया हुआ है, लेकिन अखिलेश ने पहले ही कांग्रेस से कह दिया था कि गठबंधन की बात वे लोग डिम्पल से कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि प्रियंका और डिम्पल के बीच नजदीकियां बढ़ी है, जिसकी वजह से यह गठबंधन मुमकिन हो पाया। सूत्रों के अनुसार इसके बाद रविवार सुबह अखिलेश यादव ने प्रियंका को फोन किया और इसके बाद गठबंधन का रास्ता साफ हो गया। कयास लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ चुनाव प्रचार करेंगे तो दूसरी ओर प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव प्रचार की कमान संभालेंगी। इस गठबंधन के लिए प्रियंका जिस तरह से सक्रिय दिखी, उससे अटकलें लगाई जा रही कि वे लोकसभा चुनाव में भी सक्रिय रूप से राजनीति में उतरेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह गठबंधन दोनों दलों के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। 2012 में दोनों दलों के वोट शेयर के साथ आने से जीत की संभावनाएं बढ़ सकती है। दोनों दलों को एक दूसरे के वोट बैंक और कार्यकर्ताओं का सहयोग मिलेगा। ऐसे में भाजपा और बसपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तमिलनाडु में जलीकट्टू का आयोजन, 3 लोगों की मौत। यमन में जारी ताजा लड़ाई में करीब 75 लोगों की मौत। हीराखंड एक्सप्रेस के 9 डब्बे पटरी से उतरे, 39 की मौत। गणतंत्र दिवस की रिहर्सल शुरू, परेड में दिखेंगी 23 झांकियां। ट्रंप ने पत्रकारों को बताया बेमान, बोले मीडिया के साथ युद्ध चल रहा है।